हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। सलमान खान की फिल्म टाइगर 3 ने मचा दी है हाहाकार। जी हाँ, हाल ही में फिल्म टाइगर 3 का आगाज हो चुका है। 12 नवंबर खास दिवाली के मौके पर इस फिल्म को रिलीज किया गया है। ऐसे में फैंस को ये फिल्म बहुत पसंद आई और ये फिल्म काफ़ी अच्छी सफलता भी हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि ये फिल्म अपना टोटल ओवरऑल कलेक्शन कितना देती है। सलार फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट हुई आउट। इस दिन और इस समय ट्रेलर होगा आउट। प्रभास की सलार फिल्म जो है शाहरुख खान की डंकी फिल्म से क्लैश करने जा रही है। दोनों ही फिल्मों को 22 दिसंबर को रिलीज किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना काफ़ी ज़बरदस्त होगा कि कौन सी फिल्म आगे निकलती है। लेकिन यहाँ पर सलार फिल्म के ट्रेलर की रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, जहाँ पर ये ट्रेलर आपको 1 दिसंबर को देखने को मिलेगा, वो भी शाम को 7:19 पर। फैंस इस ट्रेलर को देखने के लिए है काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड। क्या टाइगर 3 और डंकी के बाद होगी टाइगर वर्सेस पठान शुरू? वैभवी मर्चेंट ने दिया इशारा। जी हाँ, हाल ही में वैभव मर्चेंट का एक इंटरव्यू सामने आया, जहां पर उन्होंने कहा कि सलमान खान और शाहरुख खान साथ में दिखाई दे सकते हैं टाइगर वर्सेस पठान में, और यहां पर वो साथ में मैं हम सॉन्ग भी कर सकते हैं। वेल, अब देखते हैं आने वाले समय में और क्या क्या अपडेट आते हैं इस फिल्म से। एनिमल फिल्म से जल्द रिवील होगा नया अपडेट। फैंस को है बेसब्री से इंतज़ार। जहाँ पर एनिमल फिल्म का टीजर हम सभी के सामने आ चुका है, वहीं पर अब फैंस को इंतज़ार है इस फिल्म के ट्रेलर का। आपको बता दें, लगभग एक महीने पहले इस फिल्म का टीज़र रिलीज़ हुआ था और उसके बाद जो है एनिमल फिल्म से दो गाने भी रिवील हो चुके हैं। अब ऐसे में देखना काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त होगा कि हुआ मैं और सतरंगा के बाद आखिरकार अब कौन सा नया अपडेट आएगा। कमेंट सेक्शन में बताइए आप अपनी राय और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।